हेलो नमस्कार द होप टर्म में आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ देख रहे हैं कि कन्या राशि यानी वर्गोस के लिए उनकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्या सब हो सकता है अक्टूबर 2022 में। सो अक्टूबर 2022 कन्या राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले देखते हैं कन्या राशि आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, देख के चले मत जाइएगा क्योंकि 10 मिनट्स की रीडिंग में मैं ये भी बोलती रहूँ कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, तो मैं अपनी एनर्जीज ऐसे वेस्ट नहीं करूंगी। सो आप मुझे बताइएगा कि आपको कमेंट सेक्शन में रीडिंग कैसी लगी और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो पहला कार्ड आपकी एनर्जीज के लिए आ रहा है ऑल टाइड अप, वी हैव विमेन होल्डिंग ए हार्ट एंड वी हैव मजिशियन इन द मिरर। सो ओके, बॉटम एनर्जी है डोर टू रोमांस, तो आप चाहते हो किसी पर्सन को अपनी तरफ लाना या सिंगल हो तो अपनी तरफ लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, और चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ मैरिड हो तो आप चाहते हो कि उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हों, अट्रैक्शन बढ़े, वो हमेशा आपको चेस करें, वो हमेशा आपको लव दिखाएं, अपने इमोशन शेयर करें। आप जो भी चाहते हो आपके पर्सन भी आपसे वही चाहते हैं, ठीक है। अगर अक्टूबर के महीने में आप सेपरेट होते हो या कहीं पे भी ये रीडिंग देखने जाते हो कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज अकॉर्डिंग टू मजिशियन इन द मिरर उस पर्टिकुलर टाइम पे आप जो उस पर्सन के लिए सोचोगे, अपने पार्टनर के लिए जो भी आप फील करोगे अक्टूबर के महीने में, आपके पार्टनर भी वैसा ही आपके लिए फील कर रहे होंगे। तो यही एनर्जीज हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ जो कन्या राशि के लोग हैं वो थोड़े से थकान सा, थोड़ा सा फियर, थोड़ी सी एंजाइटी भी फील कर सकते हैं, जैसे इस रिलेशनशिप में वही वही कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पार्टनर भी वही फील कर रहे हैं आपके लिए। आपको लग रहा है सिर्फ आप ही इतना प्यार जता रहे हो, तो आपको थोड़ा सा एक ऐसी भी फीलिंग आ सकती है कि मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ और अब मैं थक गया हूँ करते करते। 4433 आपके लिए एंजल नंबर्स आ रहे हैं, आप गूगल कीजिएगा, आपको 4433 बहुत देखने को मिल सकते हैं। 333444 23 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 5 नंबर आपका या इनका डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, और 53 या 35 भी इनकी एज हो सकती है। 8 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट आ रहा है, आपको 888888 भी काफी दिख सकता है, ठीक है। और 8 नंबर कर्मा का नंबर है, तो हो सकता है कि आने वाले कार्ड में जस्टिस की एनर्जी भी आ जाए, आप लोग एक दूसरे के कार्मिक हो सकते हो, ठीक है। लेट्स सी अक्टूबर 2022 में क्या होगा कन्या राशि। एम्परर अगेन नंबर 4, तो ये हो गया 444 जो कि मैं आपको कह रही थी, 444 आपको काफी देखने को मिल सकता है। लेट्स सी हु इज दिस एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप मैरिड हो सकते हो या किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप कन्या राशि किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो, या आप खुद मैरिड हो, या आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, ठीक है। आप लोगों के पास दो चॉइसेस हैं, और वर्क प्लेस पे आप मिले हो, ठीक है, और आप लोगों का ईगो बहुत हाई है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही क्यों करूँ, इस तरह की चीजें आपके रिलेशनशिप में अक्टूबर में आ सकती हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ, बिल्कुल मैरिज, या मुझे तो मैरिड ही दिख रहे हो आप लोग, लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या हो सकता है आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहें कि वो आपसे मैरिज करें, या वो आपसे कमिटमेंट चाहें। टेम्परेंस, सो अगर आप सेपरेशन में हो तो आपका आपका रिकंसिलेशन होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे लग नहीं रहे हो कि आप सेपरेशन में हो, लेकिन यस, आप सेपरेशन में अगर हो तो रिकंसिलेशन हो जाएगा। अगर अक्टूबर में ही आपकी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो भी वो अक्टूबर में सॉल्व आउट हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि बेसिक जो इशू रहेगा आपकी रिलेशनशिप में वो रहेगा आपका ईगो, कि आप दोनों ही काफी स्ट्रांग ओपिनियटेड लोग हो और आपको यही लगेगा कि मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, सामने वाला मेरे लिए चेंज हो, और आपके पर्सन
भी सेम एनर्जी में रहेंगे, जैसे कि हमने कहा कि मजिशियन एंड द मिरर एनर्जी में रहेंगे, तो वो भी यही सोचेंगे कि मैं ही क्यों करूं, उनकी भी सेम थॉट प्रोसेस होगा। तो और इसीलिए आप लोगों के सेम पोल्स जो है वो टकराव हो सकता है, लेकिन मान भी जाओगे, बैलेंस भी आ जाएगा, ये भी दिख रहा है, रिकन्सिलेशन भी इसी महीने में हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी मैरिड हो और किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली दो लोगों में जगल कर सकते हो, बैलेंस बनाने में थोड़े से थकान हो सकती है, एज ऑल टाइड अप आ रहा है यहाँ पे, तो वो इश्यूज रह सकते हैं। और अगर सिंगल हो तो कोई मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, किसी किसी डिवोर्सी का प्रपोजल हो सकता है, या आप किसी डिवोर्सी को डील कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। सिंगल का भी आ सकता है, मैं सबके लिए नहीं कह रही, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स डबल वन की भी एनर्जी है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, तो यस रिकन्सिलेशन के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं अगर आप सेपरेशन में हो तो। आपके पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, और अदरवाइज जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियन हो सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव टाइम फॉर हीलिंग, तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, तो ये टाइम हीलिंग का है। वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो जैसे कि मैंने कहा कि दोनों तरफ से एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इस रिलेशनशिप में, आप भी नहीं करना चाहते, आपके पर्सन भी एडजस्ट नहीं करना चाहते, वो प्रॉब्लम हो रही है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, तो यस कुछ या तो नया आ रहा है लाइफ में, या आपके पुराने पर्सन के साथ ही आपका नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अगेन बॉटम एनर्जी है, नथिंग इज यत सेट इन स्टोन, और न्यू मून इन वर्गो आपकी की राशि का कार्ड है, टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इन्वेस्ट नहीं करोगे लाइन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से काफी लोग जो हैं वो थक जाएं, उन्हें लगे कि वही कर रहे हैं, तो आप एक पॉज ले लो, तो जब आप पॉज ले लोगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे तो आपके न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट्स चेक कि आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। ओके, वी हैव राउंड एंड राउंड, बिल्कुल। सो आप किन्हीं दो लोगों को डील कर रहे हो, कन्या राशि, डेफिनेटली आपकी लाइफ में दो लोग हैं, या आप अभी इनडिसिसिव हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं, इस पर्सन के साथ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस खराब हो सकते हैं, आपके बार बार ईगो क्लैशेस हो सकते होंगे, कि बहुत बार आप लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन इट्स लाइक कि आप रिलेशनशिप को निभाने के लिए फिर एक हो जाते हो, बट कहीं ना कहीं आप स्टक हो, कहीं ना कहीं आप उस पास्ट की खराब मेमोरीज को नहीं छोड़ पा रहे, या ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, या मैरिड थे किसी और से, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, तो आपको वो पास्ट भी आपका कहीं ना कहीं आपको स्टक रखता है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते इस पर्सन के साथ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक खराब पास्ट से निकल रहे हो, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, लेकिन आप उसी में उलझे हुए हो, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। सो राउंड एंड राउंड की सिचुएशन कह रही है कि आपको अपनी लाइफ में अगर कोई चेंज लाना है, अपनी लव लाइफ में कोई चेंज लाना है, तो आपको अपने बिहेवियर के अंदर चेंज करना पड़ेगा, आप सेम एक्ट के साथ अलग अलग रिजल्ट्स नहीं पा सकते, और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि अपने लव रिलेशनशिप में बार बार आप सेम सिचुएशन में क्यों आ जाते हो। ठीक है, या तो आप सेम गलतियां कर रहे हो रिपीटेटिवली, आप ओल्ड स्टोरी में सेम पर्सन बने हुए हो, तो आप बिल्कुल सेम सिचुएशन में आप पहले भी गए होंगे, ये कार्ड यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि बार बार रीस्टार्ट करना ठीक है, रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहते वो भी ठीक है, बट एक ही तरीके से रिलेशनशिप को चला करके फिर वहीं एंड करके और फिर से रीस्टार्ट करना, फिर वहीं एंड करना, ये कोई समझदारी नहीं है। सो आपको अपने बिहेवियर पैटर्न पे ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, अगर सामने वाले का बिहेवियर पैटर्न ऐसा है तो आप ये भी देखो कि लाइफ लॉन्ग इस तरीके से नहीं रहा जा सकता, तो ब्लेम गेम खेलने से अच्छा है कि आप थोड़ा डिफरेंटली एक्ट करो, या सिचुएशंस को बदलो, मोल्ड करो, ताकि बार बार सेम रिजल्ट्स आपको नहीं मिले। ठीक है, सो यस दिस इज ऑल फॉर यू। नंबर 25 सिग्निफिकेंट आ रहा है, सो आप 25 ईयर एज के हो सकते हो, या 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर यू, आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय।